हाय, लेट्स मेक चिपोटले मेयोनीज। हाँ जी, हम बाहर का चिपोटले मेयोनीज घर पे भी बना के तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें चाहिए यहाँ पे रेड बेल पेपर, और बेल पेपर को हम रोस्ट कर लेंगे। गैस पे रख के ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का हल्का, जिससे कि स्किन उतर जाए। अब इसे हम कट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा हमारा बाहर का रोस्ट किया हुआ पार्ट है ना, उसे हम पूरी तरीके से निकाल लेंगे। जो अंदर का हमारा पार्ट होगा, थोड़े से जो दाने होंगे, उसे भी निकाल लेंगे पूरी तरीके से, और इसे बाहर से जो रोस्टेड पार्ट है, वो स्किन हम निकाल देंगे। मैं हाथ से तो पूरी तरीके से नहीं कर पाई थी, तो मैंने चाकू की मदद से अच्छे से स्क्रेप कर लिया था जो भी एक्स्ट्रा बाहर का स्किन था। और अच्छे से स्क्रेप कर लेने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब इसे हम स्लाइस कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें ब्लेंडर में डालना है, ब्लेंड करना है पूरी तरीके से। तो जितना छोटा हो सके अच्छे से हम स्लाइस कर लेंगे। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में, और साथ ही डाल देंगे यहाँ पे हम 200 ग्राम पनीर छोटे छोटे स्लाइस करके डाल देंगे। एक डालेंगे लहसुन, डालेंगे यहाँ पे हैलीपीनियो, और डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे। बस आज के हमारे चिपोटले मेयोनीज में और कुछ भी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से स्मूथली ब्लेंड कर लेने के बाद इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में, और आपका बन के तैयार हो गया बहुत ही टेस्टी मेयोनीज। आप इसे अपने ब्रेड सैंडविच किसी में भी बना के तैयार कर बनाने के बाद स्प्रेड करेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। तो ये आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।